हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, यहाँ पानीपत जाने की तैयारी चल रही है। पतिदेव और मैं जा रहे हैं। तो पतिदेव तो हो गए तैयार, और इतनी कोहरा हो रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा वाला कोहरा हो रहा है यहाँ। आज तो गली में भी ऐसा लग रहा है कि गली में भी है। मैं भी मंदिर गई थी ना, तो थोड़ी सी दूर तक मतलब दिख नहीं रहा था। तो ये सोच रहा कैसे जाएंगे, कैसे चलिए निकलेंगे थोड़ी देर में। अब जैसे भी जाना तो है, तो ये कि चलो तब तक क्या पता निकल आए, थोड़ा बहुत मौसम खुल जाए निकलने के बाद। तो बस यही सोच के निकल लेंगे। शाम को वापस भी आना है। बच्चे नहीं जा रहे हैं, इधर ही शगुन अपना नहा के आ गया है। सार्थक शगुन नहा रहा है। ये देखिए टॉवल, ऐसे टॉवल देखो ऐसे पड़ी रहती है हमारी। जब नहाएंगे ना तो कोई देखो देखो उसने कितनी जल्दी उठाई है बेड से। जैसे ही मैंने कहा ना, तुरंत उठाई है उसने, ऐसे बेड पे डाल देंगे। फिर मम्मा है ना करने के लिए, बच्चों को कितना भी कह दो। तो दोस्तों, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और बस अब निकलने वाले ही हैं। ड्राइवर कर लिया पतिदेव ने, क्योंकि ना फॉग हो रहा है, तो बोले कि ना शाम को वापस भी आना है, तो ड्राइवर ले जाएंगे सब करके। और मैंने ये छोटा सा एक पर्स तैयार कर लिया अपने लिए, इसको ले जाऊंगी मैं। बस अभी गाड़ी वॉश कर रहे हैं और उसके बाद बस फिर निकलेंगे। दोस्तों, हम लोग सोचे थे 9 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही वहाँ से भी हमने टाइम से निकलना है। लेकिन देखिए 10 बज चुके हैं, क्योंकि फॉग अभी काफ़ी है। और मैंने बताया भी था, अभी मंदिर गई थी तो मैं काफ़ी फॉग था। तो बस अभी वही देख के ना, अब ड्राइवर आया हुआ है और बस गाड़ी वगैरह धो रहे हैं वो। तो वापसी का है कि ना कैसे निकलेंगे, क्योंकि वहाँ जाने में भी 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं हमें, और अब फॉग है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए निकलते हैं, कोई नहीं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। कितने बजे, दादी को तंग मत करना, दादी के पास रहेंगे, ठीक है ना। कहीं तंग करो, पूछूंगी आगे दादी से, है ना। मेरे को चॉकलेट लाओ, खिलाओ। चॉकलेट लाओ, कहाँ से लाओ? मेरे पास खा लो चॉकलेट, ज्यादा नहीं चॉकलेट खाने चाहिए। तो हम लोग निकल चुके हैं और ये दिए हैं टॉफियां, ताकि गाड़ी में थोड़ा जीना मसला है, हमारा जी मसला जाता है। तो ये टॉफियां, एक नमक वाली है ये पल्स, और एक ऑरेंज वाली पल्स, ये वाली बहुत अच्छी लगती है पल्स वाली, इसमें थोड़ा नमक रहता है ना। ये दीवान भी जा रहा है हमारे साथ। बैठने का आगे जी, इधर बैठ के कैसा लग रहा है? मालूम पड़ेगा सफर में कैसा लगे, क्योंकि ड्राइविंग करते हैं ना, जी मचला जाता है। इनका भी ऐसा हो जाता है दोस्तों, मेरी तो नहीं, जी मचला जाता है इनका भी। तो आज देखते हैं हवा चेक कराने के लिए। कर रहे हैं भैया, आज तो यहाँ मजा आ रहा होगा बैठने में, मेरी सीट पे मैं बैठती हूँ यहाँ पे। ये सीट कह रही है, मैं तो नीतू की हूँ। मैं बैठती हूँ ज्यादातर यहाँ पे, और क्या सीट बोल रही है, कह रही है बहुत बढ़िया। फॉग तो ये देखिए, फॉग
तो बिना बात के आए हो? और क्या, घर रहते हो भाई के पास? भंडारा, आज भंडारा करा रहे हैं हम। भंडारा हो रहा है घर पे ही उधर। ना जी, इसको भंडारा का खाना है, मम्मा के साथ चलना है इसको तो। जहाँ मम्मा वहाँ साथ चिपक के चलना है ना। हमें तो अपना काम था इसलिए हम आए हैं। आपको क्या काम है? मुझे तो शर्म आ रहा तो शर्मा जाता है लड़का। तो थोड़ी देर सो ले हम तो गाड़ी में। 11:30 बज चुके हैं और ये फॉग कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। आज तो मुझे लगा पूरा दिन ही रहेगा फॉग। ये देखिए, ऐसा लग रहा है बादल जो है नीचे आ गए हैं क्या, इतना फॉग है। ऐसा लग रहा है बादल ही नजर आ रहे हैं, इस चारों तरफ फॉग ही फॉग है। दोस्तों यहाँ पर रुके हैं हम कांजी के बड़े के लिए, तो पति देव बनवा रहे हैं। यही आगे से आ जाए खाने के लिए। ये नहीं खा रहा, ये तो चुपचाप बैठ गया। ये ऐसे नहीं अच्छे लगते खाना, मस्त लगते हैं ऐसे, है ना, मस्त लगते हैं चूजे वाली दाल है। और ज्यादा ही तो फायदेमंद ही होते हैं। ज़्यादा हम मोस्टली यहाँ से खा के ही निकलते हैं क्योंकि यहाँ के बड़े इतने टेस्टी होते हैं। और जो पानी पीते हैं ना उसके बाद, जो हमें खाने के बाद पानी दिया जाता है, वो पानी बहुत इतना टेस्ट होता है कि दिल खुश हो जाता है पानी पीने के बाद। राई का पानी होता है ना बहुत टेस्टी वाला, तो जब भी आप लोग इधर आओ निकलो तो कभी पीना पानी। पानी पीने के बड़े खाना और पानी पीना। ये दोस्तों ये बच्चा गया कि बुलंदशहर पूजा के बीच गाजियाबाद वाले रोड पे है ये बुलंदशहर खुर्जा के बीच में, एक्सप्रेस वे के साइड में लगे रहते हैं कांजी के भरे, उसमें दही सौंठ चटनी के भरे और पानी के भी भरे, बड़े टेस्टी होते हैं मूंग की दाल के। और खास बात ये होती है कि छिलके वाली दाल होती है उनकी, उसमें ग्रीन ग्रीन छिलके और दिखते हैं ना, और साइकोलॉजिकल और भी टेस्टी हो जाते हैं। दोस्तों पहुंच गए पानीपत और बस हम लोग। दोस्तों 4 बज गए हैं और हम लोग अलीगढ़ के लिए वापसी निकल लिए हैं और टाइम से अपना पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तो पानीपत में निकल रही है धूप, जैसे हमने पानीपत में एंटर किया कितनी धूप है यार, अभी धूप है। देख सकते हैं आप कितनी धूप है, इतनी धूप है कि बैठ नहीं सकते धूप में। हाँ सही कह रहे हैं, बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है। रास्ते में हमें आधे से ज्यादा रास्ते में मतलब फॉग था, आपको दिखाया भी था। सही, पानीपत में एंटर किया हुआ धूप, यहाँ तो इतनी धूप। भैया हम जो रहे, हम कहाँ रह रहे हैं, हम शिमला मनाली में रह रहे हैं हम। ये गाँव नहीं, मतलब हम हिल स्टेशन पर रह रहे हैं, वहाँ पे फॉग क्या ऐसा लग रहा था बादल हमारी गाड़ी के बगल में चल रहे हैं। सब जगह चलना, इसको सब जगह चलना, ये घर पे नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी।
देखो अमरूद फिर याद आ गए थे उसके दोस्तों, इतना अमरूद का इनको शौक है भाई, अमरूद ही अमरूद, इन्हें खिला दो। कम है, मैंने ग्रेप्स देखे थे, ग्रेप्स खाने का मन कर गया था मेरा। ग्रेप्स तो है ना, हाँ ग्रेप्स दिखा तो लेना, बहुत टाइम से ग्रेप्स खाए नहीं ठंडे की वजह से, मेरा तो मन ही नहीं करता फ्रूट खाने का, लेकिन मन कर गया आज, या तो इसलिए मन कर गया पता, धूप धूप देख के मन कर गया, थोड़ा धूप भी है ना यहाँ पे, देखते हैं अगर यहाँ दिखेंगे तो लेते हैं ग्रेप्स। श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों ये देखिए कितने प्यारी यहाँ पे पेंटिंग हो रही है हनुमान जी की और भगवान जी की, काफी सारे हैं, आगे भी हैं और पूरे जितने भी जगह जगह पे ये खंभे से बने हुए हैं सब, तो जितने भी पिलर हैं यहाँ पे सब पे ही मतलब बना हुआ है राम जी की फोटो, मतलब ये पेंटिंग, और इतनी खूबसूरत लग रही है ये सारे मतलब, लेकिन यहाँ पे एक तो जाम लग रहा था धीरे धीरे, मतलब हम चल नहीं पा रहे, हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, नहीं तो हम फटाफट फटाफट सबको दिखाते आप लोगों को, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों घर पहुंच गए हम लोग और 8 बजे आ गए थे, नहीं 8 नहीं, कितने बजे, सवा सात, हाँ सवा सात बजे हम लोग सवा सात बजे पहुंच गए थे, फिर आते अपना चाय वगैरह पी के और अपना चाय पी ली, मम्मी ने चाय बना दी थी, और पतिदेव बोल रहे हैं कि वहाँ भी बैठे बैठे भी हम थक गए थकते तो हैं ये, बैठे बैठे थक गए, ड्राइव नहीं की तो क्या हुआ, बैठ के तो आई है, लगातार काफी टाइम बैठे रहे ना, पतिदेव को हो रहा था क्या, फॉग है फॉग है फॉग है, ड्राइवर करके ले गए, पतिदेव बोल रहे हैं नहीं नहीं ड्राइवर से फायदा तो मुझे बहुत हुआ, आराम से रिलैक्स हो, लेकिन बैठे बैठे थक तो जाते ही है, वो तो है, 3.5-4 घंटे इधर से, 3.5 घंटे उधर से, सही है, तो फायदा तो हुआ, लेकिन ये है कि फिर भी थकावट तो होती है, जाने आने का सफर हुआ है ना, जाने आने में रहता ही है, शगुन ने हेयर कट करा लिया, देख लिया अच्छा बड़े बाल नहीं अच्छे लगते, हम तो पहले कह रहे थे कटवा ले, इतने बड़े बाल हो रहे, बार बार सेट करने पड़ रहे थे, अब सेट नहीं, अब जैसे काले हो गए एक बार कड़े ही रहेंगे, इतने ही सही लगते हैं मुझे तो, ऐसे ही रखा करूंगा छोटे, हाँ छोटे अच्छे लगते हैं बेटा, छोटे नहीं है सही है ना, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन ये सही लग रहे हैं, ज्यादा बड़े ना अच्छे नहीं लगते, बहुत छोटे भी नहीं अच्छे लगते, ये मीडियम है ना सही लग रहे हैं, और सार्थक ने तंग तो नहीं किया था, नहीं वो तो अपना पढ़ता रहा है, वो खेलता रहा था, अच्छा चलो यार, वो आज तो भंडारा हुआ था हमारे यहाँ, हम चले गए वहाँ, दोस्तों पीछे से हम भंडारा करवाया था तो मंदिर पे, दो 22 को हो रहा था, वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से, तो वो 26 जनवरी को करा देख के चला गया, 26 जनवरी को करा दिया 22 वाला, मंदिर पे कराना था, मंदिर पे हो गया, और हम लोग तो थे नहीं, लेकिन पीछे से करवा दिया देवर वगैरह ने, और फिर चलो प्रसाद आ गया खा लेते हैं, रखा हुआ है थोड़ा सा आ गया घर, तो वही खाएंगे आज हम, टेस्टी है खाने में, प्रसाद तो भैया टेस्टी होता है, हलवा ज्यादा अच्छा लगा, मैं भी खाऊंगा हलवा, तो ये भंडारा खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के पतिदेव, ये सही है अपना नीचे बैठ के आराम से, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी सब्जी आलू की, हलवा कितना टेस्टी है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, हलवा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना, थैंक यू।